हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू फिट एंड फाइन। बच्चों, हमने 4.6 किया, फर्स्ट बॉक्स कर लिया था, आज हम सेकंड बॉक्स कर रहे हैं। फाइंड द स्मॉलर फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालनी है? स्मॉलर फ्रैक्शन निकालनी है। जैसे फर्स्ट बॉक्स में हमने ग्रेटर निकाली थी, आज हम क्या निकालेंगे? स्मॉलर। फाइंड द स्मॉलर फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें स्मॉलर फ्रैक्शन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे फर्स्ट सब में 3/5 एंड 3/4। 3/5 लिख लिया, 3/4 राइट किया, दोनों की क्या हो गई? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 के नीचे 3 आया, 3 के नीचे 3 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई किससे होगी? 4 से। इधर वाले 3 के सामने क्या है? 5, तो 3 × 5। अब 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है? 3/4 क्या होगा? ग्रेटर। जिस साइड की वैल्यू बड़ी होगी, उस साइड की फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। इधर फ्रैक्शन कौन सी थी? 3/4, और ग्रेटर हो गई किससे? 3/5 से। बी का निशान फेस उधर साइड ही ओपन होगा जो वैल्यू बड़ी होगी। 3/4 बड़ा हो गया, तो स्मॉल कौन सी है? 3/5। तो हमें स्मॉल लिखनी थी, तो हमने राइट किया 3/5 इज स्मॉलर। ऐसे ही नेक्स्ट सम है 7/9 एंड 4/9। 7/9 राइट किया, 4/9 राइट किया। 7 के नीचे 7 आया, 4 के नीचे 4। 7 क्रॉस मल्टीप्लाई विद 9, 4 मल्टीप्लाई विद 9। 7 × 9 = 63, 4 × 9 = 36। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 63। तो इस साइड की फ्रैक्शन क्या है? 7/9। तो 7/9 क्या हो गया? ग्रेटर हो गया किससे? 4/9 से। हमें स्मॉल निकालनी थी, ये वाली वैल्यू तो बड़ी है, तो छोटी क्या होगी? 4/9। तो 4/9 इज स्मॉलर। देखो बच्चा, थर्ड है राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। आप जिनका डिनोमिनेटर सेम है वही टू सम करोगे, ये सम हम बाद में करेंगे। फर्स्ट सम मैंने आपको करवा देना है। देखो देखो, राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 7/9, 4/12, 1/2, 5/2। इंक्रीजिंग कैसे होगा? सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे 1/12, 4/12, 5/12, 7/12। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले छोटी वैल्यू और लास्ट में आएगी सबसे बड़ी वैल्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हमें फ्रैक्शन दी हुई है, हमें इनमें क्या किसमें चेंज करना है? डेसिमल में। कैसे करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। जैसे 9/10 है, 9 लिख लिया, 10 के साथ कितनी जीरो है? 1 जीरो है, तो 1 के बाद लगा देंगे पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट लग गया। जब पॉइंट लगाना है तो पीछे से डिजिट काउंट करने हैं, आगे से नहीं, पीछे से करेंगे। जैसे 9 छोड़ दिया तो यहाँ पे पॉइंट लगे, आगे क्या लगी? जीरो। ऐसे ही जैसे 35/100, 35 राइट किया, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, आगे लग गई जीरो। अगर आपके पास दिया हो 4/1000, तो आपने क्या करना है? 4 राइट कर लिया, 1, 2, 3, 3 जीरो है, तो यहाँ पे तो डिजिट 1 ही है, तो 2 क्या लग जाएंगी? जीरो लग जाएंगी, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर क्या लग जाएगी? जीरो। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हमें वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है, हमें क्या करना है? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो, पहले तो हमें नीचे 10 और 100 था, हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। अब हमें सम क्या दिया हुआ है? 3/5। तो 5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 10 ना जाए? किससे करेंगे बच्चों? 2 से। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, नीचे भी। 3 × 6 = 6, 5 × 2 = 10। ये क्या बन गया? 10 आया, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो आंसर आ गया 0.6। 15/20, अब 20 को 10 तो बना नहीं सकते, हमने क्या बना लिया? 100। तो मल्टीप्लाई कर ली ऊपर भी 5 से नीचे भी। 15/5 = 75, 25/100, और 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद क्या लग गया? पॉइंट। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो डेसिमल में दी हुई हैं, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। फर्स्टली जैसे 1.3, तो ये क्या बन गया? 13। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है, तो 1 के साथ क्या लग जाएगी? 10। 13/10, ये किसी सिमिलर टेबल पर नहीं जाते, तो यही बन गई इसकी फ्रैक्शन 13/10। 1.75, ये क्या बन गया? 1.75 राइट किया हमने। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो यहाँ पे क्या लग गया? 100। 25 के टेबल पे ये 4 पे गया, 25 के टेबल पे ये 7 पे गया, तो आंसर आया 7/4।
4.5, ये क्या बन गया 45, पॉइंट के बाद डिजिट 1 है तो यहां पे क्या लग गया 10, ये 5 के टेबल पे 9 पे जाएगा, ये 5 के टेबल पे 2 पे गया तो आंसर आ गया 9/2। ऐसे ही 0.35, पॉइंट के बाद डिजिट कितने बच्चों 2, तो नीचे क्या आ गया 1 के साथ 20 आगे 100, 5 के टेबल पे ये 7 पे जाएगा, ये 5 के टेबल पे 20 पे जाएगा तो आंसर आया 7/20। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो बच्चों, इसका सेकंड बॉक्स आपको कंप्लीट करना है और थर्ड बॉक्स का ए और सी सम करना है और नहीं करने, ए और सी ही करना है फेयर पे। एक्सरसाइज 4.7 आपको कंप्लीट करनी है, फर्स्ट बॉक्स भी करना है, सेकंड और थर्ड, ये तीनों बॉक्स मैंने करवा दिए, ये तीनों के तीनों बॉक्स आप अपनी फेयर नोटबुक पे करोगे। जैसे ये मैं बता ही देती हूँ, ये 2 सम तो मैंने करवा दिए, 25 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, तो 4 अगर 25 को 4 से किए तो 4 को किससे होगी 25 से। अब ये वाली वैल्यू है, ये 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप सोचना भी किससे मल्टीप्लाई करें, नीचे 1000, 100 जो कुछ भी बनना चाहिए।